हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ गाइस, एवी प्लेयर साहब इस व्हाट्सएप स्टेटस या रिंगटोन कैसे बना सकते हैं। जैसा कि गाइस आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये व्हाइट लाइन एवी प्लेयर में कैसे वर्क करती है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस एवी प्लेयर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा गाइस। इसको डाउनलोड करने के बाद इस व्हाइट लाइन को कैसे सेट करना है और कैसे लगाना है और स्टेटस या रिंगटोन कैसे बनाना है गाइस, ये सब मैं आप सबको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ गाइस। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये व्हाइट लाइन कैसे वर्क कर रही है साउंड के साथ, लेकिन गाइस मैंने इसका साउंड अभी ऑफ किया हुआ है। अभी जब आप इस वीडियो एंड तक देखेंगे तो गाइस मैं आप सबको बताऊंगा जो व्हाइट लाइन साउंड का कैसे वर्क करती है साउंड ऑन करके। तो गाइस आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहें गाइस, और इस वीडियो का अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर एवी प्लेयर को डाउनलोड करना है, फिर इस टेम्पल को डाउनलोड करना है गाइस। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, आपको इस एवी प्लेयर को ओपन करना है। जब आप इस एवी प्लेयर को ओपन करेंगे गाइस, अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा गाइस, जिसमें से आप सब पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएं। फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद गाइस अब आपके सामने बहुत सारे टेम्पल आएंगे जो इस ऐप की तरफ से ऑलरेडी आएंगे गाइस, लेकिन आपको क्या करना है, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेम्पल का, उसको यहाँ पर आप लोड फ्रॉम फाइल करना है गाइस। जब आप लोड फ्रॉम फाइल पर जाएंगे तो आपने जो एवी प्लेयर का जो टेम्पल डाउनलोड किया था गाइस, आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देगा। जैसे कि अभी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ गाइस, इसको मैंने वीडियोस में रख रखे हैं, और अब आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे टेम्पल है। अगर आप इसका सब टेम्पल गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको जो से टेम्पल चाहिए आप उसके लिए रिंगटोन या स्टेटस लगा सकते हैं गाइस। अब मैं इस टेम्पल को लोड कर दूंगा, लोड होने के बाद गाइस अब आप देख सकते हैं ये टेम्पल इधर आ चुका है गाइस। अब इस टेम्पल आने के बाद गाइस इसमें बहुत सारी सेट होगा, इसमें बहुत सारी सेटिंग मांग रहा है गाइस, इसका आपको बहुत सारा सेटिंग करनी है। इसमें आपको क्या करना है गाइस, आपको सबसे पहले जो वाइड लाइन के हट के जो जा रही है, बहुत सारी लाइन पट्टी जो जा रही है गाइस, आप इनको कैसे हट रोक सकते हैं। अगर आप इसको लगाना भी चाहते हैं तो गाइस आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन गाइस अगर इसको आप हटाना चाहते हैं मैं आपको हटा के बता देता हूँ गाइस, इसमें लगाना और हटाना कैसे है। आपको पेंसिल वाला आइकन पर जाना गाइस, पेंसिल वाला आइकन पर जाने के बाद फिर आपको जाना गाइस पार्टिकल्स पे। पार्टिकल्स पे जाने के बाद गाइस सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा जनरल का, जनरल के बाद गाइस ये विजिबल जो आएगा इसको आप ऑफ कर दें। अब ऑफ करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेट हो चुका, सही हो चुका। अब गाइस आपको क्या करना है, अगर आप इस वाइट लाइन जो है गाइस इसको आप बिल्कुल सीधी कैसे करें गाइस, इसको सीधी करने के लिए गाइस आप सबको जाना है इस बार्स वाले ऑप्शन पे, फिर आपको जाना जनरल में, फिर आपको जाना गाइस सबसे नीचे। सबसे नीचे जाएंगे गाइस तो आपको यहाँ पे मिलेगा रोटेशन का, जिसमें ये 150 हो रहा होगा गाइस, आपको इसको 180 करना है। जब आप इसको 180 करेंगे गाइस तो बिल्कुल सीधा हो चुका होगा। अब मैं इसको 180 कर देता हूँ गाइस, अब आप देख सकते हैं ये 180 में बिल्कुल सीधा हो चुका गाइस। अब आप इसमें एक फोटो सेट करते हैं, कोई सा भी एक फोटो सेट कर लेते हैं गाइस। आपको सबसे पहले जाना है इस पेंसिल वाला आइकन पे जाना है गाइस। पेंसिल वाला आइकन पे जाने के बाद आपको फर्स्ट वाला जो इमेज का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, दो इमेज के ऑप्शन आएंगे जिसमें से आपको फर्स्ट वाले पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद गाइस आपको जनरल के नीचे जो इमेज आ रहा है इस पे जाना है। इसमें जाने के बाद कस्टम इमेज पे जाके आपको फोटो पिक इमेज पे जाना है। पिक इमेज पे जाने के बाद गाइस आपको एक कोई सा भी फोटो अपलोड करना है, जैसे कि मैं ये वाला फोटो लगा लेता हूँ। अब गाइस आप देख सकते हैं ये फोटोज़ भी लग चुका है इसके अंदर। अब आपको करना क्या है गाइस, अब मैं इसका अंदर आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस। अब आप देख सकते हैं फोटो के साथ में ये व्हाइट लाइन कैसे वर्क करेगी। अब आपको क्या करना है गाइस, आपको इस जो व्हाइट लाइन जो दिख रही है गाइस, जो टेम्पल जो दिख रहा है, आप इसको लेफ्ट या राइट भी कर सकते हैं, या आप इसको ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं गाइस। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पेंसिल वाला आइकन पर जाना होगा। कैसे भी आप इमेज के साथ आप गाइस इसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये यहाँ पर सेट आप इसके अलावा कहीं और भी इसको लगा सकते हैं। आपको पेंसिल वाला आइकन पर जाने के बाद आपको बार वाले ऑप्शन पर जाना, सबसे नीचे वाले ऑप्शन में। इसमें जाने के बाद गाइस आप सबको जाना है जनरल में। जनरल में जाने के बाद गाइस ये जो आप देख रहे हैं गाइस पोजीशन वाला जो ऑप्शन है, जिसमें दोनों में 500 हो रहा होगा, तो गाइस आपको इसमें दोनों में आपको चेंज करना है। आप कहीं भी लगा सकते हैं इमेज के साथ में, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं ये कहीं भी सेट हो सकता है, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं गाइस। अब जैसे कि अभी अपन इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं गाइस, अब ये यहाँ पर सेट हो चुका गाइस। अब आपको और भी ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं, जैसे कि अभी जो व्हाइट लाइन है आप इसके अंदर देख सकते हैं कितने डॉट है, इसमें अभी 8 डॉट है गाइस। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें 4 भी कर सकते हैं, 50 भी, 100 भी, कितने भी कर सकते हैं गाइस। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं आपको कैसे आपको वापस से इसको स्मॉल या लॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेंसिल वाला आइकन पर जाना है गाइस। इसमें जाने के बाद आपको ऑडियो पे जाना है, ऑडियो पे जाने के बाद गाइस आप सबको जाना है स्ट्रक्चर में। ये देख सकते हैं गाइस आप जो सैंपल आउट काउंट जो है गाइस, इसमें जो आपको 8 वाला ऑप्शन आ रहा है 8 का गाइस, इसको आपको या कम करना है या ज़्यादा करना है गाइस। जैसे कि अभी आप मैं इसमें 4 कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं गाइस ये वाइट लाइन के जो डॉट है ये 4 हो चुके हैं, और इसमें आप 8 भी कर सकते हैं या गाइस आप इसमें 7 भी कर सकते हैं गाइस। करने में तो आप इसको 100 भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता आप इसमें कर रहे, मेरे को ज़्यादा बेस्ट या सब ज़्यादातर रिंगटोन में जो लगाया जाता है वो या तो 4 होता है या गाइस 7 होता है। तो आप गाइस आपके हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अब गाइस आप देख सकते हैं ये वाइट लाइन बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब इसमें मैं आप सबको म्यूज़िक लगा के दिखाऊंगा ये साउंड का कैसे वर्क करते गाइस।
गाइस जैसे कि आपने देखा ये साउंड के साथ वर्क करी, लेकिन गाइस आप इसमें देख सकते हैं जो व्हाइट लाइन के जो आसपास में जो रेड कलर जो हो रहा है पूरी वीडियो में रेड रेड जो हो रहा है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो गाइस आपको इसकी सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पेंसिल वाला आइकन पर जाना है। पेंसिल वाला आइकन पर जाने के बाद गाइस आप देख सकते हैं तीसरा जो ऑप्शन है स्लिप इफेक्ट, इस पर जाने के बाद गाइस आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन में जाना है स्लिप्ड इफेक्ट वाले भी। इसमें जाने के बाद गाइस आप सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इसको आपको पूरा माइनस करना है, इसको जीरो करना है। ये पहले 1500 हो रहा होगा, आपको इसको पूरा माइनस करना है गाइस जीरो पे। अब इसमें मैं आपको म्यूजिक लगा के दिखाता हूँ साउंड गाइस, अब ये रेड वाला जो ऑप्शन था वो आता है या नहीं। अब गाइस जैसा कि आपने देखा ये रेड वाला जो ऑप्शन था वो भी बिल्कुल गायब हो चुका है, अब ये बिल्कुल टेम्पल बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है गाइस। अगर आपको रेड वाला ऑप्शन चाहिए तो गाइस आप इसको माइनस मत करना, आपके लिए वो सही रहेगा। लेकिन गाइस ज़्यादातर ये वाइट लाइन में जो रेड वाला ऑप्शन है ये नहीं रहता। गाइस वैसे मैंने आपको बता दिया कि आप रेड वाला ऑप्शन लगा सकते हैं या आप हटा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। गाइस मैंने आपको इस ऑप्शन में जाकर बता दिया कि आप इसको माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगाना है गाइस रेड वाला ऑप्शन तो आप इसको प्लस कर सकते हैं, नहीं तो गाइस आप इसको माइनस कर सकते हैं। ये करने के बाद गाइस आपको फिर जाना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पर। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर गाइस जाने के बाद आप सबको जाना है फिर चूज प्रीसेट पे। इसमें जाने के बाद आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो है इस पर डाउनलोड करना। अगर आप गाइस कर सकते हैं आपको ऊपर वाला ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ज़्यादा HD में आएगी गाइस। लेकिन मेरे पे जो मोबाइल है गाइस इसमें मैं आपको 720 वाला करके दिखा देता हूँ। गाइस डाउनलोड करने के बाद गाइस फिर आपको सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है गाइस हाइट ऐप लोगो, इसका मतलब गाइस अगर आप इस टिक करते हैं तो गाइस आपको AVP लेयर का जो लोगो है आपकी वीडियो में शो नहीं करेगा। अगर आप गाइस को अनटिक करते हैं तो गाइस AVP लेयर का जो लोगो है वो आपकी वीडियो में दिखाई देगा। तो गाइस आप इसको टिक करें, फिर टिक करने के बाद गाइस आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ये एक्सपोर्ट करने के बाद गाइस ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।